दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच सियासी पारा चरम पर है। चिट्ठियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली सरकार के निशाने पर उपराज्यपाल और बीजेपी के दो नेता हैं। तो उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी पर ओझी राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब टैंकर घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा ने उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली एसीबी के चीफ मुकेश मीणा को तलब किया है। दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला की अध्यक्षता में पिटीशन कमेटी ने कल एलजी को नोटिस जारी किया। इसके तहत एलजी पर आरोप लगाया गया कि टैंकर घोटाले के पुराने मामले में जो एफआईआर हुई है उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये नियमों को ताक पर रखने का एक और मामला है। असल में विधानसभा की कोई भी कमेटी नोटिस जारी नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद एलजी को नोटिस जारी किया गया। तो वाकई में जिस तरीके की ये जंग हो गई है एलजी वर्सेस केजरीवाल की, वो फिलहाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अहम की लड़ाई में तब्दील हो रहा है। तो एसीबी चीफ मुकेश मीणा और एलजी को ये नोटिस भेजा गया है, जवाब तलब किया गया है, जो संवैधानिक तौर पर नोटिस नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन क्या तमाम नियम कायदों को भूल चुकी है सरकार, और ऐसे में एक अहम की लड़ाई हो चुकी है ये। इस बीच दिल्ली वालों की किसी को परवाह नहीं। ब्रिजेश हमारे साथ है फिलहाल जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश, मुझे एक बात ये बताइए कि दरअसल, चलिए जरा मैं ब्रिजेश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी, फिलहाल अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक नियम कानून होते हैं, क्या उनको ताक पर रखकर काम कर रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि वो ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है एलजी पर कि वो नियम को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ऐसे में संवैधानिक तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लेकर नियम कायदे कानून होते हैं, क्या उनको भूलती जा रही है आम आदमी पार्टी? आखिर दिल्ली में ये हो क्या रहा है? सियासी अखाड़ा एक तरीके से बनता चला जा रहा है दिल्ली, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो वो दिल्ली वालों को हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह की शायद राजनीति और इस तरह की सियासत पहले कभी देखने को नहीं मिली।